दोस्तों नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी मेरे YouTube परिवार को दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों जो भी मेरे चैनल पे नया आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी रहेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे कई सारे मेरे भाई हैं जो सब्सक्राइबर हैं जो मेरे को पूछ रहे थे कि जो पावर मिनी ट्रैक्टर है वो दलदली मिट्टी में किस तरीके का जुताई करता है और कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को वही सवाल का आप लोगों को जवाब दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो अभी दलदली खेत में उतारने के लिए मिनी पावर ट्रैक्टर को तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग जो भी मेरे वीडियो पे बने हो तो आप लोग आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। तो मैं आप लोगों को शुरू से आखिर तक आप लोगों को दिखाऊँगा कि जो ट्रैक्टर है, जो मिनी पावर ट्रैक्टर है, ये दलदली में किस तरीके का चलता है और उसमें किस तरीके का वो मिट्टी में सामना कर पाता है कि नहीं कर पाता है, वो आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको वीडियो को लाइक करिएगा। तो सबसे पहले तो इस ट्रैक्टर को अभी देख रहे हो, ये जो पावर मिनी पावर ट्रैक्टर और रोटावेटर में अभी वो जो किचबिल है उसको लगा रहे हैं। मैं तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा लगा रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को आगे दिखाऊँगा दोस्तों। तो ठीक है, तो दोस्तों रोटावेटर में रोटावेटर का अलग से किच भी लाता है, वो लगा के भी फिट कर दिए। तो आप लोग देख पा रहे हो अभी ये तैयार है दोस्तों फिट करने के खेतों में। अब इसका प्रदर्शन देखते हैं दोस्तों कि ये दलदली मिट्टी में किस तरीके का जुताई कर पाता है कि नहीं कर पाता है। आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए।
आप लोगों ने देखा कि थोड़ा सा वो उधर का जो मिट्टी है ना दोस्तों, थोड़ा टाइट है, क्योंकि पहले पानी भरा हुआ था तो उसमें चल जा रहा था दोस्तों। अभी एक रात हो गया तो पानी जो मिट्टी जो है ना, पानी अभी कम हो गया तो वो मिट्टी टाइट हो गया दोस्तों, तो उसमें जो रोटावेटर है वो फंस जा रहा है तो दोस्तों। और उधर का जो दलदली मिट्टी है तो थोड़ा सा मिट्टी टाइट है तो अंदर घुस जा रहा है दोस्तों रोटावेटर। तो अभी हम लोग बड़ा वाला केचबी लगा करके उधर का जुताई करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, आप लोगों ने देखना, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके का जुताई हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, वाला किचबी लगाएंगे तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। ऑनलाइन में से कम पड़ता है, 40 पड़ेगा, 60 इंच पे की ज़्यादा, 8 इंच। और इंटर कितना पड़ा? इंटर 45 ही पड़ा। ऑनलाइन कितना पेमेंट करना पड़ता है? एडवांस आपको सबसे पहले 5,000 देना पड़ेगा, फिर उसके बाद सब प्रोडक्ट आ जाएगा, उसके बाद 40,000। किचबिल लगा लिए, ठीक है। तो अभी आप पाटा लगा रहे हैं, आप लोगों ने बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा कि ये पाटा कैसा है, तो मैं आप लोगों को पाटा को दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो ये पाटा है, इसको अपने से बनाए हैं दोस्तों। तो अभी ये पाटा को सेट कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों बड़ा वाला किचबिल लगा लिए, पाटा लगा लिए, ठीक है। अभी सेट हो गया, तो अभी देखते हैं कि दलदली वाले मिट्टी में कैसा होता है, ठीक। आप लोग वीडियो पे बने रहिए, अब उस पर गड़ाता है कि नहीं गड़ाता है आप लोग देखिए।
दोस्तों, जुताई तो होते रहेगी। मौसम ख़राब हो गया, अचानक से बारिश शुरू हो गया दोस्तों, तो हल्का हल्का बारिश हो रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर थे, जो भाई लोग थे, जो मेरे को पूछे थे कि दलदली खेत में जुताई कर पाता है कि नहीं कर पाता है, तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, तो कुछ हद तक हो जाता है। कहीं पे दलदली ज़्यादा होता है तो वहाँ पे कोई सा भी बड़ा ट्रैक्टर हो या छोटे ट्रैक्टर हो फंस जाता है दोस्तों। तो वैसा ही आप लोग देख रहे हो रहा है जुताई, तो फंस जाता है दोस्तों, कभी नहीं फंसता है। तो फ़ायदा ये है कि छोटा ट्रैक्टर है तो उसको उठा करके निकाल सकते हैं, और बड़ा ट्रैक्टर दोस्तों उसको तो निकालने में दूसरा ट्रैक्टर लग जाता है निकालने में। तो दोस्तों, आप लोगों को जवाब मिल गया होगा कि किस तरीके का प्रदर्शन करता है छोटा ट्रैक्टर दलदली खेतों में। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। तो दोस्तों, मैं आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया और हल्का हल्का बारिश हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा में ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है दोस्तों, मोबाइल भींग जाएगा तो फिर ख़राब हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो और जो भी मेरे भाई हैं जिसको कुछ डाउट होगा या फिर कुछ पूछना होगा, तो ज़रूर दोस्तों आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे से हो पाएगा तो ज़रूर मैं आप लोगों को जवाब दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों बाय।